वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग पहले भी बहुत सारे वीडियोस इसके हम लोग पढ़ चुके हैं जो कि बेसिक क्वेश्चन के सॉल्यूशन थे। अब हम लोग यहाँ पे प्रश्नावली पढ़ेंगे। प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज 7.1। इस प्रश्नावली में जितने क्वेश्चन हैं हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं वीडियो में अपलोड करूंगा। आप लोग उस वीडियो को देखकर आसानी से पूरा एक्सरसाइज समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। बिल्कुल आसान शब्दों में सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन होने वाला है। तो हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन। शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी पढ़ेंगे और जो चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। प्रश्नावली 7.1 का पहला क्वेश्चन में आपको तीन क्वेश्चन दिखेगा और तीनों क्वेश्चन में कहा गया है, दो दो बिंदु दी गई है, फिर कहा गया है कि दोनों के बीच की दूरी को आपको निकालना है। तो हम उसके बीच की दूरी को निकालने वाले हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है इस तरह से दिया गया है, दो बिंदु हैं, 2.3 है और जो है वो 4.1 है। अब बोला क्या, इसकी बीच की दूरी निकालनी है, के बीच की दूरी निकालने वाला क्वेश्चन। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, कई क्वेश्चन हो चुका है। जो नहीं देखे होंगे वीडियो पीछे जाकर जरूर देखेंगे। बहुत ही आसान सॉल्यूशन में बताया गया है दूरी निकालना। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन का पहला जो है वो 2.3 और 4.1 के बीच की दूरी निकालना है। चलिए हम लोग इसका आंसर निकालते हैं। इसीलिए देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट दूरी बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ से हम लोग करेंगे, सबका मान डालेंगे और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान देंगे, हम पहले ही बता चुके हैं आपको, कई बार बता चुके हैं, ये जो हर ब्रैकेट का पहला लेटर x होता है, तो यहाँ x है, x1 है, ये वाला आपका x2 कहलाएगा, ये आपका y1 है, ये आपका y2 कहलाएगा। तो रूट अंडर क्या लिखेंगे हम लोग, 2 फार्मूला का माइनस x2 आपका 4 है, 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना आपका 3 है, माइनस फार्मूला से y2 कितना 1 है, इसका क्या जाएगा आपका होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, 2 में से 4 कटेगा, आपका -2 बचेगा, इस पे स्क्वायर हो गया आपका, प्लस 3 में से 1 घटेगा, आपका बचेगा 2 और 2 का स्क्वायर। ध्यान से यहाँ देखेंगे, -2 का स्क्वायर है, -2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 4, प्लस है 2 प्लस करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है, बिल्कुल 4 होता है। अब यहाँ पे दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ में है, 4 कितना हो जाएगा आपका 8, और 8 का वर्गमूल करेंगे आप 2√2 लिखेंगे, यहाँ इकाई कर देना है और ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है यहाँ से। तो बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए, आसानी पूर्वक दूरी निकाल लिए हैं दोनों की, और दूरी निकल के जो आया है वो 2√2 आया। फिर हम लोग एक का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पे -5.7 और -1.3 के बीच की दूरी को हमें निकालनी है। फिर हम वही फॉर्मूला लगाने वाले हैं जो पहला क्वेश्चन में लगाया है। तो आप इसीलिए दूरी निकालनी है, दूरी बराबर फॉर्मूला आपको पता होगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से मान डालेंगे, आपको पता होगा x1 कौन है, और आपको ये भी मालूम होगा कि x2 कौन है, y1 कौन है और y2 कौन है। ध्यान देंगे, यहाँ x1 कौन होगा आपका, -5 होगा, फॉर्मूला से माइनस लिखेंगे, x2 कौन है,
एक्स टू आपका माइनस एक है, इसीलिए यहाँ पर माइनस एक लिखेंगे। फिर ब्रैकेट कर देना है, ऊपर में कर देना है होल स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे, आपको एक वीडियो में हम बताए थे यहाँ पे दूरी निकालने वाले में, जैसे दो लगातार चिन्ह होता है तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा इस तरह से। प्लस है तो प्लस कर देना है, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट। वाई वन कितना आपका सात है फॉर्मूला से, माइनस वाई टू कितना आपका तीन है, इस पे स्क्वायर है तो आपका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ जो मान जैसा रहता है वैसे रखते हैं, प्लस में रहता है प्लस में रखते हैं, माइनस में रहता है माइनस रखेंगे। फॉर्मूला में जो चिन्ह होता है वो चिन्ह देते हैं। फिर देखिएगा यहाँ रूट है तो रूट दिए, माइनस पांच का माइनस पांच दिए। दो लगातार चिन्ह जैसे ही होता है आपस में गुना होता है, माइनस को माइनस से गुना करने पर कितना आता है आपका प्लस हो जाता है, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका एक हो जाएगा। इस पे होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दिया यहाँ, प्लस सात में से तीन घटा तो कितना हो जाएगा आपका चार, चार का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एक प्लस में है पांच माइनस में है, एक में से पांच घटेगा तो बचेगा माइनस चार, कितना बचेगा माइनस चार बचेगा, एक में से पांच घटाएंगे तो माइनस चार बचेगा। अब माइनस चार का ऊपर में क्या स्क्वायर है, माइनस चार का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा आपका सोलह हो जाएगा। अब प्लस है तो प्लस, चार का स्क्वायर सोलह। तो यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर दो काम एक साथ कर दिए, घटा भी दिए और स्क्वायर भी कर दिए हैं। अब देखिए सोलह और प्लस सोलह कितना होता है बत्तीस होता है। अब बत्तीस का अगर आप अभाज्य गुणनखंड करिएगा, उसका इसका वर्गमूल निकालिएगा तो वर्गमूल निकल के आ जाएगा इसका चार रूट दो, इकाई लगा देना है और आपका आंसर ये कंप्लीट होगा। ये कैसे हुआ बत्तीस चार रूट दो बना, तो आप ध्यान से देखिएगा रूट बत्तीस को आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे रूट बत्तीस लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं सोलह गुना दो, बिल्कुल लिख सकते हैं सोलह गुना बत्तीस होता है। और आपको पता होगा जब भी रूट के अंदर सोलह रहेगा वो बाहर निकल के कितना बन जाता है चार बन जाता है। तो आप चार ये बाहर निकल गया, अंदर का बच गया आपका दो बच गया, तो यहाँ पे लिखिए हम लोग चार रूट दो इकाई। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर एक में तीन क्वेश्चन थे, तीसरा क्वेश्चन हम इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, इसलिए आप लोग वहां जाके देख लेंगे, जो नहीं देखे होंगे आपका आसानी से बन जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज प्रश्नावली 7.1 का समाप्त हो जाता है। फिर हम लोग अगले वीडियो में अगले के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे।